नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इट्स अबाउट एवरीथिंग के एक नए एपिसोड में। तो आज का जो एपिसोड है वो है जुगाड़ के ऊपर, किस तरीके से आप जुगाड़ लगाकर जो ट्यूबलाइट होता है उसे जला सकते हैं। तो ये जुगाड़ मैंने कैसे लगाया और ट्यूबलाइट को बिना चौक के और बिना स्टार्टर के आप कैसे लगा सकते हैं, कैसे जला सकते हैं, ये वीडियो उसके बारे में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्यूब है, मैंने इसे जो वायर से उसे किस तरीके से कनेक्ट किया है मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो बॉक्स है ये दरअसल एक सीरीज कनेक्शन बॉक्स है, जो कि यहाँ पर जो प्लग है इस कनेक्शन को ऑन करके इसे शॉर्ट करते ही बल्ब जल जाता है। तो ये 100 वाट का बल्ब है, इसे करने के लिए आपको 100 वाट का बल्ब ही चाहिए। तो ये जो बल्ब है ये दरअसल चौक का काम करता है और ये जो करंट को लिमिट कर देता है, करीब 40 वाट तक लिमिट कर देता है, तब आपका ट्यूब जो है वो जल जाता है। तो ये जो कनेक्शन है ये देख सकते हैं, इस वायर से होते हुए दोनों तरफ के एक एक पॉइंट पर जाकर लग जाता है। और जो स्टार्टर होता है वो स्टार्टर वाला जो केबल है वो ये है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक आया हुआ है और वहाँ से एक कनेक्शन यहाँ तक है। तो इसे जलाने के लिए आपको स्टार्टर की जगह पर ये जो कनेक्शन है इसे आपको शॉर्ट करके 1-2 सेकंड रखकर फिर उसे ऐसे कनेक्शन को तोड़ना है, तभी ये जल उठेगा। इस तरीके से स्टार्टर भी काम करता है। तो ये देखिए मैंने स्विच ऑन कर दिया और अब देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं ये वायर को ज्वाइन कर रहा हूँ और कुछ 1 सेकंड रखने के बाद ये देखिए कनेक्शन को तोड़ते ही फौरन जो ट्यूब है वो जल जाता है। तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो लगभग समान होता है जितना नॉर्मल ट्यूबलाइट का, जैसे कि 20 वाट का एक ट्यूबलाइट यहाँ पर है और दूसरा जो मेरा लाइट है वो यहाँ पर 40 वाट का है। तो इसी की तरह ही इसका इंटेंसिटी है। और आपको कैमरे पर थोड़ा फ्लिकरिंग दिखाई दे रहा होगा, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो चौक है वो दरअसल जो डिजिटल जो चौक होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो चौक होता है वैसा चौक नहीं है, इसका चौक एक मैनुअल कह सकते हैं, मैनुअल चौक जैसा काम कर रहा है। तो अगर एक्सट्रीम सिचुएशन पर अगर आपका लाइट ख़राब हो जाए तो आप टेम्परेली ऐसे आप जला सकते हैं ट्यूबलाइट को, लेकिन परमानेंट नहीं है क्योंकि ये हाईली इनएफिशिएंट है, आपका बिजली भी ज़्यादा खींचेगा क्योंकि ये बल्ब भी जल रहा है तो ये बिजली ज़्यादा खींच रहा है। और ट्यूबलाइट जो है, जैसे कि अभी ट्यूबलाइट थोड़ा वार्म अप हो गया है, तो मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ फिर दोबारा ऑन करते ये देखिए ये जलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो गैस है, जो मर्क्यूरी वेपर होता है उसके अंदर, वो मर्क्यूरी वेपर आयोनाइज हो जाता है और फिर आयोनाइज होने के बाद ही बिजली इसके आर पार जा सकता है। लेकिन अगर ठंडा होता है तो उसका आयोनाइजेशन जो होता है गैस का वो कम हो जाता है और इसलिए ट्यूब जो है ठीक तरीके से जल नहीं पाता। और इस तरीके से आप जब ऑन करेंगे कुछ देर के बाद देखिए एकदम कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्योंकि जिसका आयोनाइजेशन जो है गैस का वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से जलाने से एक जो डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो ट्यूब का ये सिरा है ये धीरे धीरे काला हो जाएगा, दोनों तरफ का सिरा जो है काला हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चौक होता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चौक से ख़राब नहीं होता, काला नहीं होता। इसका होने का कारण ये है कि आप स्विच को ऑन करने के बाद ये जो स्टार्टर है ये जो इसे शॉर्ट करता है और फिर इसको ब्रेक करते ही ट्यूब जल होता है, तो इसी के कारण ये जो सिरा होता है वो धीरे धीरे काला हो जाता है। और दूसरा बात यह है कि कनेक्शन को ब्रेक करके दोबारा जलाते ये जो फ्लिकरिंग जो कर रहा है, इसी फ्लिकरिंग की वजह से ये सिरा जो है काला हो जाता है। वो सिरा भी, दोनों सिरा ही काला हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो फिलामेंट होता है गैस को आयनाइज करने का, वो फिलामेंट यहाँ पर होता है और वहाँ पर होता है, दोनों सिरे पर दो होता है। तो वही आयनाइजेशन गैस को, जो मर्क्यूरी का जो वेपर होता है उसे आयनाइज करता है और इसी से ट्यूब जलता है। तो अगर आपको टेम्पररी ट्यूब को जलाना है, जैसे कि आपके घर का अगर ट्यूब का चौक खराब हो गया, या फिर आप यूट्यूब के लिए जो आपका सेटअप है, जैसे कि मेरा यहाँ पर एक ट्यूबलाइट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो मैंने सोचा कि ठीक है वीडियो भी हो जाएगा और मैं अपना सेटअप के लिए एक और एक लाइट भी ले लूँगा, तो इसलिए मैं ये आप वीडियो आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इमरजेंसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर परमानेंटली इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा बिजली खींचेगा, क्योंकि ये 40 वाट का ट्यूब भी जल रहा है और ये 100 वाट का जो बल्ब है, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में
तो 100 वाट का बल्ब भी करे 30-40 वाट 50 वाट बिजली खींचेगा, तो यहाँ पर आपका 70-80 वाट दोनों मिलकर खींचना लगेगा, तो ये हाईली इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए टेम्पररी सोल्यूशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट ना कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो ये वीडियो यही तक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन पाकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।